स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भावर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक इतिहास, इससे रिलेटेड 25 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज, वही सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में कई सालों से कई बार पूछे जा रहे हैं, और यही क्वेश्चंस को इन फ्यूचर में रिपीट ये कर सकते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे SSC, UPSC, RRB, बैंक, NDA, तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लें, ये जो बेल है उस पर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। बिल्कुल फ्री है, आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि इन फ्यूचर में इससे रिलेटेड एक भी MCQs आपका गलत ना हो। ये MCQs कवर करवाने से पहले हम इसको इन डिटेल में अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ताकि कोई भी कन्फ्यूज़न हमें ना रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। B.R. अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में क्या प्रावधान था? ठीक है, जो पूना समझौता हुआ था B.R. अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में, तो उसमें क्या प्रावधान था, क्या ऐसा लिखा हुआ था जो ये समझौता हुआ था? इसमें लिखा हुआ था हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है, निर्वाचन मतलब इलेक्शन होता है, और हरिजन जो SC ST कैटेगरी में आते हैं उनके लिए अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में समझौता हुआ था, जिसे पूना समझौता कहा जाता है। इसके तहत SC ST वालों को आरक्षण भी दिया गया, और साथ ही साथ ये इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, इस चीज़ की भी आज़ादी दी। ठीक है, देखिए IAS 1997 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और इन्हीं क्वेश्चंस को ये रिपीट भी कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची द्वितीय के साथ आपको सुमेलित करना है, और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। ये प्रथम सूची है और ये द्वितीय। यहाँ पर कौन सा जो ये भी लिखा हुआ है, जैसे सूरत विभाजन, ये कौन से सन में हुआ है आपको ये मैच करके बताना है। तो देखिए, सूरत विभाजन जो हुआ था वो हुआ था 1907 में। ठीक है, सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। सांप्रदायिक अधिनिर्माण जो हुआ था, निर्णय ये हुआ था 1932 में। कब हुआ था? 1932 में। सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ था, ये हुआ था 1928 में। ठीक है, पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था 1929 में। ठीक है, जिस तरह से हमने मैच किया है, ए का फोर्थ इस तरह से मैच करने पर आपका ये आंसर आएगा, ऑप्शन बी वाला। ठीक है, जैसे ए का फोर्थ हुआ मैच जब हमने किया, तो बी का 3 था, सी का 2 और डी का 1। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर मैच करने होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? ये सारे अधिनियम को हम बहुत ही अच्छी तरह से डिटेल में समझ चुके हैं, किसमें क्या था। ठीक है, तो देखिए, जो द्वितीय जो सेकंड ऑप्शन है बी वाला, ये है इसका आंसर, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत। 1861 के तहत जो भारत के गवर्नर जनरल थे उनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। और अगर इसको समझते हैं डिटेल से, तो ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने की हुआ करती थी। ठीक है, और इसमें, इस अधिनियम में और भी बहुत सारी चीज़ें थी गवर्नर जनरल के लिए, जैसे कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया था इसमें, और विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, और ये कौन रहे थे उस समय, वो थे लॉर्ड कनिंग। ठीक है, लॉर्ड कनिंग रहे थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची प्रथम को सूची द्वितीय के साथ सुमेलित करना है, मतलब मैच द कॉलम है ये। ठीक है, कब कौन सी घोषणा हुई थी, ये घोषणा ही हुई थी, संकल्प हुआ था, तो ये किसके द्वारा हुआ था। ठीक है, ये आपको मैच करके बताना है। तो देखिए, जो ए वाला है अगस्त घोषणा, ये की गई थी लॉर्ड मॉन्टेग्यू के द्वारा। ठीक है, उस समय ये रहे थे, मतलब कि लॉर्ड मॉन्टेग्यू, ठीक है, अगस्त घोषणा के समय ये रहे थे। अगस्त प्रस्ताव जब आया था तो उस समय लॉर्ड लिनलिथगो रहे थे। ठीक है, इन सबको हम अगस्त घोषणा में क्या हुआ था, अगस्त प्रस्ताव में क्या हुआ था, ये मैं अच्छी तरह से आपको समझा चुकी हूँ। अगस्त संकल्प में क्या हुआ, ये उस समय कौन रहे थे, अगस्त संकल्प के समय में रहे थे,
महात्मा गांधी जी, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ये मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा, ठीक है, ये उस समय मतलब रहे थे, ये आपको बताना है, ठीक है, ये इनके द्वारा भी हुए हैं, इनका भी योगदान है, और इस तरह से भी होता है कि ये उस समय रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन ट्रिकी तरह से दिया जाता है, तो आपको समझना होगा कि ये जो ऑप्शंस यहाँ दे रखे हैं, ये 1, 2, 3, 4, ये किस तरह से इन्होंने यहाँ पर डाला है, यहाँ पर सन भी दे सकते थे, ठीक है, और उस समय कौन जनरल गवर्नर जनरल रहे थे, ऐसा भी ये दे सकते थे, ठीक है। तो जैसा हमने अभी मैच किया है उसके हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया, कब पारित किया गया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 1773 ईस्वी में, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ये पहला ऐसा एक्ट था जिसके तहत कंपनी जो थी, जो बंगाल पर शासन करने लग गई थी, उसका शिकंजा और ज़्यादा कसा जाना था। मतलब कि कंपनी ने युद्ध किया था, प्लासी की लड़ाई और बक्सर का युद्ध, तो उसके बाद क्या हुआ था कि ये शासन करने लग गए थे बंगाल पर, तो उसे शासन को बनाए रखने के लिए ये एक्ट पारित किया था, रेगुलेटिंग एक्ट। तो इसमें इन्होंने क्या किया, बंगाल को तो इन्होंने जीत लिया, उसके बाद मुंबई मद्रास इनके जो गवर्नर थे उनको अपने अधीन कर लिया, और बंगाल का जो गवर्नर था उसको क्या नाम दे दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल, ठीक है। उसके बाद और भी चीज़ें हुई कि कलकत्ता में जो प्रेसिडेंटी थी उसके अंदर अंतर्गत इन्होंने उच्च न्यायालय बनाया, मैं बहुत सारे चेंजेस कर दिए थे, ठीक है। तो ये हम ए टू जेड समझ चुके हैं, समझना है आपको तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, और वैसे पूरी प्लेलिस्ट भी है जिसका नाम है भारतीय संविधान भारतीय राज्य व्यवस्था, ताकि आप इसलिए उसको पहले समझें, और उसके बाद अगर आप ये एमसीक्यूज करते हैं तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था, ठीक है। क्वेश्चन का मीनिंग समझिएगा, भारत के गवर्नर जो जनरल थे उसको ऐसा कौन सा एक्ट था उस समय कि जिसके द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार था, ठीक है। इनके पास पावर थी कि जो भी निर्णय लिया गया है उनकी समिति ने उसको वो रिजेक्ट कर सकते हैं, कुछ अगर उनको डाउट हो ऐसा कि नहीं है सही, ठीक है। तो ये हुआ था 1786 का अमेंडमेंट एक्ट था ये, ठीक है, अमेंडमेंट एक्ट था 1786 का, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसे याद रखिएगा। इस एक्ट के तहत ही गवर्नर जनरल के पास ऐसी पावर थी जिसमें अगर इनकी समिति कुछ निर्णय लेती है तो उसको ये रिजेक्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त कब किया गया था, कब किया गया था, तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1876 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। 1876 ईस्वी 28 अप्रैल 1876 ईस्वी, ठीक है, अगर पूरी डेट समझे तो वो है 28 अप्रैल 1876 ईस्वी को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था, ठीक है। और इस अधिनियम को कहते हैं शाही उपाधि अधिनियम 1876 ईस्वी की, ठीक है, कौन सा अधिनियम था ये, शाही उपाधि अधिनियम 1876, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था, निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था, ठीक है। मतलब बहुत सारे आश्वासन दिए थे भारतीयों को कि वो बहुत सारी चीज़ें पूरी करेंगे, लेकिन कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो इन्होंने वाकई में जो पूर्ण की थी वो थी देसी राजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। मतलब कि जो देश के अंदर के जो राजा वगैरह था उनके जो राजवाड़े थे उनकी स्थिति ऐसी ही बनेगी, उनमें कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा, ठीक है। ऐसा साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में कहा था, ठीक है, याद रखिएगा, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्लेमिंटो सुधार का उद्देश्य क्या रहा था, क्या रहा था मार्लेमिंटो सुधार का उद्देश्य। देखिए जो मार्लेमिंटो सुधार है उसको हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, उसका एक और नाम है 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, 1909 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम और मार्लेमिंटो सुधार, ठीक है। उसके तहत बहुत सारे सुधार हुए थे, 6-7 हमने पढ़े थे,
तो देखिए इसका उद्देश्य क्या रहा था, इन ऑप्शन में थे तो ये है पृथक निर्वाचन प्रणाली, ठीक है, पृथक निर्वाचन प्रणाली ये उसका मार्लेमिंटो का उद्देश्य था। अगर और गहराई से समझते हैं तो इसका मतलब ये है कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, ठीक है। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दे दी गई थी, ठीक है। ये है इसका मतलब, सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में भी इसको जाना जाता है, लॉर्ड मिंटो को, ठीक है। ये मार्ले और मिंटो कौन है आपको पता है, मैंने बताया है, लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव रहे थे, और ये जो लॉर्ड मिंटो हैं, ठीक है, जिनका नाम है मिंटो, ये मिंटो भारत के वायसराय हैं। कौन है? भारत के वायसराय हैं। और मार्ले कौन है? इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव बने होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया है? अभी मैंने आपको बताया है कि इसको दो नाम से जाना जाता है, ठीक है, दो नाम से जाना जाता है। एक है 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, ठीक है, 1909 का भारत परिषद अधिनियम भी इसको कहा जाता है। तब यहाँ से आप इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट लगा सकते हैं। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो वो है 1909 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था, किसके द्वारा लाया गया था? अभी आपको बताया है, पूरा रीड करके बताया है। चलिए एक और बार बता देते हैं कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया, उनके अंतर्गत, इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे, ठीक है, और ये पहली बार ऐसा हुआ था। तो किसके तहत किया गया था? 1909 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, और इसी का दूसरा नाम भी है मार्ले मिंटो सुधार। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ये है मार्ले मिंटो सुधार 1909, ठीक है। देखिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है अगर हम इसे डिटेल में समझ लेते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1909 में के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी, ठीक है, किस बात की व्यवस्था की गई थी 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में? तो इसका करेक्ट आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, है ना। अभी मैंने बताया सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड मिंटो को, है ना। तो यहाँ पर सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मार्ले मिंटो के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। अब देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या रहा था, क्या रहा था? देखिए इसको एक और नाम से जाना जाता है, 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ठीक है, याद रखिएगा। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड को एक और नाम से जाना जाता है कि 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम, ठीक है। तो देखिए इसमें सुधार में क्या प्रावधानों का सार था, है ना, ये जो सुधार आया था इसमें प्रावधानों का सार क्या था? तो इसका सार यही था कि प्रांतों में दोहरा शासन लगाया जाना, ठीक है। अगर इसको और समझते तो समझे तो प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया गया, ठीक है। प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन रहे हैं? वो है लियोनस कार्टियस। कौन है? लियोनस कार्टियस थे, ठीक है। इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को दो उपभागों में विभाजित किया था, एक था आश्रित और दूसरा हस्तांतरित, जिसे अंतरित भी कहते हैं, ठीक है, वो मैंने ए टू जेड आपको समझा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1946 का कैबिनेट मिशन तीन मंत्रियों से गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य इसमें नहीं था? जो 1946 का कैबिनेट मिशन रहा है उसमें तीन मंत्री गठित थे, निम्न में से कौन से इसके सदस्य नहीं थे ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड एम्बरी, ठीक है, लॉर्ड एम्बरी इसमें नहीं थे, बाकी ये तीन मंत्री थे, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, ए वी अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? जो कैबिनेट मिशन योजना है उसमें से कौन सी बात इसमें से सही नहीं है? तो वो है पाकिस्तान की स्वीकृति, ठीक है, इसमें पाकिस्तान की स्वीकृति इसमें नहीं थी,
ठीक है, लेकिन क्या क्या था? संविधान निर्माण का अधिकार था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल भी था, प्रांतीय समूहीकरण ये भी था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चला गया था? ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। भारत का संविधान लागू होने तक, है ना, लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत में चला गया था? किसके अंतर्गत में चला गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार रहा था। ठीक है, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही ये रहा था। ठीक है, और 1935 में क्या हुआ है मैं आपको ये बहुत अच्छी तरह से बताया है। उसमें क्या क्या संविधान रहा था अपना, उसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, और उसकी कुछ मुख्य विशेषताएं थी, जैसे अखिल भारतीय संघ बना था, प्रांतीय स्वायत्तता था, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हो गई थी, है ना, और ये सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से पढ़ ली थी। अवशिष्ट विद्या शक्ति व्यवसाय को दे दी गई थी। ठीक है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। संसदीय न्यायालय की व्यवस्था हुई थी, ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता हुई थी, इसमें भारत परिषद का अंत हो गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार हुआ था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हुई थी 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप वीडियो को ध्यान से सुनेगा, आपको सबको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? मतलब कि पूरी तरह से भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी, ऐसा इन्होंने एक योजना निकाली थी, तो उसको किस नाम से जानी जाती है जो 1947 में निकली थी? तो ये है माउंट बेटन योजना। ठीक है, कौन सी योजना है? माउंट बेटन योजना, आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं कर रहा है, मतलब कौन सा मैच नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। तो देखिए पहले समझ लेते हैं, मार्ले मिंटो सुधार में अभी हमने पढ़ा कि उसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व था, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो आया उसमें स्वशासन करने का था, कैबिनेट मिशन जो था उसमें संविधान सभा का गठन हुआ था। जी हाँ, ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो इसमें क्या मैच नहीं कर रहा है, वो है साइमन कमीशन। भारत विभाजन हुआ था क्या इसमें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ था इसमें। भारत विभाजन कब हुआ था? ये 1947 ईस्वी का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था, जिसमें दो अधिराज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, तो कौन सा सुमेलित नहीं कर रहा है, वो है साइमन कमीशन में भारत विभाजन नहीं हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका के प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? अभी मैंने आपको बताया है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये बिल्कुल मैच द फॉलोइंग के जैसे है, आपको मैच करके बताना है इसमें। ठीक है, इसमें भी कुट दिया हुआ है, इस तरह से आपको मैच करना होगा। ठीक है, बस आपको ये बताना है कि किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका के प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई है, है ना। तो देखिए यहाँ पर जो ए है इसका ऑप्शन होगा बी वाला, भारतीय सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत क्या हुआ था? तो इसमें प्रांतीय स्वायत्तता लगाई गई थी। ठीक है, मैंने अभी ये पढ़ के भी बताया था आपको, मिंटो मार्ले सुधार 1909, इसमें क्या हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है, इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था। ठीक है, ऑप्शन सी का क्या है इसमें? सांप्रदायिक निर्वाचन। उसके बाद जो डी वाला है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 जो आया था इसके तहत हुआ था सती प्रथा का अंत। ठीक है, अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था। ठीक है, तो देखिए वापस एक और बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1999 में प्रांतों में द्वैध शासन लगा दिया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वायत्तता लगा दी गई थी, उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन हुआ था, भारतीय परिषद अधिनियम 1961 में हुआ था
सती प्रथा का अंत पूरी तरह से खत्म कर दिया गया था अधिनियम 1858 के तहत ब्रिटिश शासन शक्ति में आ गया था। ठीक है, जिस तरह से हमने मैच किया है इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ए का 3 बन रहा है, बी का 1, सी का 4, डी का 2 और ई का 5, इस तरह से हमारा आंसर मैच हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किसमें किया गया था? अभी मैंने आपको बताया है, बहुत ही अच्छी तरह से समझा दिया था, ध्यान से सुनिएगा। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है, देखिए मैंने इसमें आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था कि अखिल भारतीय संघ में क्या हुआ था कि यह एक ऐसा संघ था जिसमें 11 ब्रिटिश प्रांत थे, 6 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र थे और उन देसी रियासतों से मिलकर इसको बनाना था। ठीक है, इनको उन देसी रियासतों से मिलकर बनाना था जो अपनी इच्छा से इस संघ में शामिल होना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देसी रियासतों के लिए यह मतलब इनके इच्छा के अनुसार डिपेंड करता था। देसी रियासतें संघ में सम्मिलित नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधी घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं मिला। ठीक है, ये होने वाला था अखिल भारतीय संघ, लेकिन क्या हुआ, इसमें 11 ब्रिटिश प्रांत तो शामिल हो गए, 6 चीफ कमिश्नर भी शामिल हो गए इनके क्षेत्र, लेकिन जो देसी रियासतें थीं वो इसमें नहीं शामिल हुई, क्योंकि जो अखिल भारतीय संघ था वो बनता ही इसी से मिलाकर 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 चीफ कमिश्नर और देसी रियासतों को मिलाकर, देसी रियासतें इसमें पीछे हट गई, इसलिए ये अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल मतलब ये इसका जो घोषणा पत्र होता है ये जारी नहीं कर पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? अभी मैंने एक पूरा चार्ट आपको मैच करके बताया है, तो इसके अनुसार क्या होगा आंसर, देखिए ये है ऑप्शन बी वाला, भारत शासन अधिनियम 1919। ठीक है, 1919, इसके तहत द्वैत शासन प्रणाली लगा दी गई थी और इसको एक और नाम से जाना जाता है, क्या नाम है, वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट कर रही हूँ, द्वैत शासन प्रणाली लगाई गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत, जिसका एक और नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, और इसके जो जनक है वो कौन है, इस द्वैत शासन जो प्रणाली है इसके जनक है लियोनस कार्टियस। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा कब किया गया था? ये सारी चीज़ें मैच करके मैंने अच्छी तरह से आपको समझाया है। संघीय प्रणाली, ठीक है, इसका पहला प्रयास भारतीय अधिनियम कौन से सन के द्वारा किया गया था? तो ये था 1935 का भारतीय सरकार अधिनियम रहा है। ठीक है, इसमें संघीय प्रणाली बनाई गई थी 1935 के तहत। क्या है संघीय प्रणाली, इसको समझ लेते हैं। संघीय न्यायालय की व्यवस्था थी ये एक तरह से, इसका अवसर क्षेत्र प्रांतों तथा रियासतों तक विस्तृत था। ठीक है, इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा दो अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। न्यायालय से संबंधित अंतिम शक्ति प्रिवी काउंसिल जो लंदन से थी वहाँ से इनको प्राप्त थी। ठीक है, इनकी अंतिम शक्ति इनको कहाँ से प्राप्त थी, प्रिवी काउंसिल लंदन से प्राप्त थी। ठीक है, ये जो संघीय प्रणाली है इसको संघीय न्यायालय की व्यवस्था भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ठीक है, किस अधिनियम की थी, अभी मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन नंबर 19 में हमने मैच किया था, तो इसका क्या है करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है 1935। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है, 1935, इसमें प्रांतीय स्वायत्तता थी। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इसमें स्वयं प्रणाली भी थी और प्रांतीय स्वायत्तता भी थी। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना भी की गई थी, अखिल भारतीय संघ भी था,
ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता भी थी, ब्रिटिश परिषद का पूरी तरह से अंत भी हो गया था, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का भी इसमें विस्तार हुआ था 1935 में। ठीक है, इसमें हमने टोटल 11 पॉइंट्स पढ़े थे, और जो टोटल 11 पॉइंट्स पढ़े हैं हमने वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसी से देखिए कितने सारे क्वेश्चंस घुमा फिरा के बना दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था, कौन सा ऐसा सुधार आया था या फिर अधिनियम था जिसमें भारत के सचिव पद को निर्मित किया गया था। ये हमने पढ़ा था भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। ठीक है, 1858 ईस्वी का भारत शासन जो अधिनियम आया था, शासन भी कह सकते हैं इसको, सरकार अधिनियम भी कह सकते हैं, इसमें भारत में सचिव पद को निर्मित किया गया था, जिसे हम सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया भी कहते हैं। इसमें एक्चुअल में हुआ क्या था, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई थी, वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था, भारत के प्रशासन पर इसका संपूर्ण नियंत्रण था, उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यूरो के विषय में हो। ठीक है, मतलब कि इसकी बहुत अच्छी पोजीशन थी भारत के राज्य सचिव की। ठीक है, ये कहाँ पर था, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल था उसमें एक सदस्य के रूप में ये कार्य कर रहा था। ठीक है, ये भारत का राज्य सचिव कहलाता था। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, और इसका बहुत बड़ा पॉइंट था कि भारत के प्रशासन पर इसका पूरी तरह से नियंत्रण था, उसी का वाक्य मतलब जो भी ये कहता है वह अंतिम होता था, चाहे वह जो भी नीति है उसके विषय में हो या फिर किसी भी ब्यूरो के विषय में हो, ये जो वाक्य कह देता था वही वाक्य होता था। ये था भारत सचिव का पद। ठीक, किस अधिनियम के तहत ये आया था भारत में, 1858 के तहत, और 1858 में सबसे बड़ी चेंजेस ये हुआ था कि इस अधिनियम की बहुत बड़ी विशेषता रही है कि भारत का जो शासन था, पहले कंपनी करती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन उसके हाथ से लेकर जो ब्रिटिश क्राउन है, मतलब ब्रिटिश में जो अब राजा है रानी है, उसके हाथ में पूरी तरह से दे दिया गया था, और भारत में मंत्री के जो पद हुआ करते थे उसकी व्यवस्था भी की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई। ये क्वेश्चन का आंसर हम पहले भी टिक कर चुके हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वाला, भारत सरकार अधिनियम 1909, जिसे मार्लेमेंटो सुधार भी कहा जाता है, इसी के तहत भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। है ना, अभी हमने पढ़ा था अच्छी तरह से कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था, और इसके अंतर्गत मुस्लिम समुदायों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा हुआ था। चलिए लास्ट क्वेश्चन, भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था, उसके द्वारा स्थापित संध में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दे दी गई थी, किसे दे दी गई थी, ये मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में काफ़ी अच्छी तरह से, तो ये गवर्नर जनरल को दे दी गई थी। ठीक है, इसे दे दी गई थी गवर्नर जनरल को, जिसे वायसराय भी कह रहे थे उस समय। ठीक है, तो देखिए इसको एक और बार अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि दो जो भारत शासन अधिनियम आया था 1935, उसके द्वारा अवशिष्ट विधायी शक्ति जो थी वो वायसराय को दे दी गई थी। ठीक है, तो वायसराय गवर्नर जनरल दोनों एक ही है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसका कुछ बस थोड़ा सा एक चेंज होता है इसमें, जो मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में अच्छी तरह से समझाया है कि जो गवर्नर थे, फिर गवर्नर जनरल कैसे बने, फिर उसके बाद जो गवर्नर थे उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल, उसके बाद पूरे भारत के गवर्नर जनरल, उसके बाद वो वायसराय बन गया जो प्रतिनिधित्व था किसका, ब्रिटिश सरकार की जो रानी थी या राजा था
उसका ये प्रतिनिधित्व करता था, ठीक है, ये रहा है इसका मीनिंग। तो वो अच्छी तरह से मैंने आपको बताया है, तो आपको यहाँ पर वाइसराय भी लिखा हुआ दिख जाएगा ऑप्शन की जगह, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका करेक्ट आंसर यही है कि गवर्नर जनरल को भारत शासन या फिर भारत सरकार अधिनियम भी इसको कहते हैं, 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ दे दी गई थी, ठीक है, इसको अवशिष्ट विधायी शक्ति भी कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हमने A to Z इन डिटेल में समझ ली है, ताकि इसको जब हम सॉल्व करते हैं इससे रिलेटेड MCQs, तो कोई भी कन्फ्यूज़न हमें नहीं होती है। सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, वापस से रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ सब्सक्राइब की, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इससे सपोर्ट मिलता है चैनल को, बिल्कुल आप सब्सक्राइब करें, भूले बिल्कुल नहीं। ये जो बेल है इस पर भी ऑल प्रेस कर ले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं, और ऐसा आपने अगर अभी तक नहीं किया है तो। इसका PDF भी बिल्कुल फ्री अवेलेबल है, वीडियो को पूरा देखा करो, इसमें आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, ताकि इससे रिलेटेड MCQs कभी भी पूछे जाते हैं तो कोई कन्फ्यूज़न ना हो, और एक भी मार्क्स हम लोगों का फ्यूचर में गलत ना हो। चलिए, थैंक यू।